अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज ईद उल अज़हा है 2023। यूके में मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। देखें, सड़कें खाली हैं। आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, जहाँ पे भी हैं, पाकिस्तान में, दुनिया भर में। तो ये स्पेशल मौका है, आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। जो रियलिटी है, अगर आप परदेस में होते हैं तो ये रियलिटी है। आप दोस्त वगैरह होते हैं, चलो मिलने वाले होते हैं, लेकिन फैमिली के साथ ईद मनाना बहुत ज़रूरी है। सो एनीवेज, बाकी व्लॉग आप देखिएगा, ये सिर्फ ईद के लिए व्लॉग है स्पेशल। सो सिर्फ ईद की चीज़ें होंगी। अभी मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, नमाज़ के बाद गपशप होती है। तो भाई, ईद उल अज़हा का मौसम कुछ इस तरह है कि सुबह से बारिश हो रही है, या कि अभी थोड़ी बारिश रुकी हुई है। अच्छी बात है, ताकि नमाज़ आराम से जाके, मैं पैदल जा रहा हूँ, वॉकिंग। सो इट्स रियली ग्रेट। जैसे आप देख सकते हैं, मौसम बहुत प्यारा हुआ है। सही, सर्दी सर्दी तो नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा मौसम हुआ है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह में नबी अलैहि सलाम और उसके आते ही तेरी बादशाहत खत्म हो जाए, तेरा सिक्का खत्म हो जाएगा। तो जनाब, ईद की नमाज़ हो गई है, बहुत अच्छा खुतबा भी हुआ, दुआ भी हुई। तो इस ईद के मौके पे हमें जो मेन मैसेज है, जो सेक्रीफाइस का मैसेज है, और वो जो खुतबे में भी मौलाना साहब ने काफ़ी वो अच्छा किया, बहुत मज़ा आया ईद का। ये मेरी ईद उल अज़हा, जो पहली ईद उल अज़हा थी इधर। सो ओवरऑल इट वाज़ रियली गुड। एनीवेज, आपको साथ साथ थोड़ा अभी घुमाते हैं, जाते हैं। मौसम काफ़ी अच्छा है, इट वाज़ रियली ग्रेट, और बहुत मज़ा आया। मेन चीज़ यह है कि अगर आप यूके आ रहे हैं और यहाँ आ गए हैं, तो यहाँ पे परदेस में ऑब्वियसली आपके फ्रेंड्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन यह कि फैमिली को आप बहुत मिस करते हैं, ये बहुत एक बड़ा फैक्टर होता है। और दूसरी ये चीज़ होती है कि आप ऑब्वियसली उस तरह घुल मिल नहीं पाते जिस तरह बैक होम पाकिस्तान में होता है। लेकिन एनीवेज़, अच्छा लग रहा है। ईद के दिन खुशियां बांटनी चाहिए, खुशियों के साथ साथ फिर सब कुछ है, और दुआ मांगनी चाहिए कि हर जगह कैफी है। तो शाम का टाइम है, थोड़ा रेस्ट। ईद का ये होता है कि सुबह सुबह आपने उठना होता है, नमाज़ पढ़ी मैंने, उसके बाद फिर अब यह है कि रेस्ट किया, अब बाहर निकलने लगा हूँ, और भी साथ साथ दिखाता हूँ। थोड़ा ईद थोड़ी इसी तरह गुजरती है मोस्टली, मेरी तो एटलीस्ट इस तरह गुजरती है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी ईद किस तरह गुजरी, किस तरह गुजर रही है। और उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। शॉर्ट व्लॉग है, लेकिन यह है कि स्पेशल ईद उल अज़हा जो था, उसका व्लॉग मैं बनाना चाह रहा था। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने कमेंट्स में भी दीजिएगा कि आप ईद कैसे मना रहे हैं, कहाँ पे मना रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।